दीपक बदोरे, और करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आज पांच बड़े नगर निगमों जैसे रायपुर, दुर्ग, धमतरी, रायगढ़ और चिरमिरी में महापौर का चुनाव हो रहा है और सभी जगह पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपना मेयर बनाने की जुगत में लगी है। वहीं बीजेपी ने भी आस नहीं छोड़ी है। सबसे ज्यादा गहमा गहमी रायपुर में है। यहाँ एजाज डेवर को प्रत्याशी घोषित किया गया है और जबकि दुर्ग में धीरज बाकीवाल, धमतरी में विजय देवांगन, चिरमिरी में कंचन जायसवाल और रायगढ़ में जानकी काटजू को महापौर बनाए जाने के संकेत हैं। आपको बता दें क्रॉस वोटिंग की भी आशंका से डरी कांग्रेस ने पार्षदों के लिए व्हिप जारी किया है। उधर बीजेपी ने महापौर निर्वाचन को लेकर आपत्ति जताई, वो निर्वाचन आयोग में शिकायत करेगी और हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर करने की तैयारी में है बीजेपी। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में पेन और मोबाइल का इस्तेमाल हुआ। बीजेपी का आरोप यह भी है कि पुरानी प्रक्रिया से इसी वजह से चुनाव कराया गया ताकि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के लिए बहुमत ला सके। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर लगभग लगभग कांग्रेस का ही कब्जा होने वाला है पांचों पे नगर निगमों पे जो महापौर है बनने वाला है, फिर भी बीजेपी जोड़ तोड़ की कोशिश में लगी हुई है। कितने आसार हैं, बीजेपी किस बूते पे दम भर रही है? देखिए, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आए थे उसमें नगर निगमों में स्थिति करीब करीब उसी समय स्पष्ट हो गई थी, जहां पर 10 में से 9 नगर निगमों में ज्यादा पार्षद जो है कांग्रेस की जीत कर आए थे। हालांकि ज्यादातर में उनका बहुमत नहीं था, लेकिन निर्दलीय पार्षद हर जगह पे निर्णायक थे और ये तय था कि इसका फायदा जो है जिस पक्ष के सरकार है उसको इसका फायदा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और निर्दलियों को का समर्थन यदि जिस भी दल को मिलता है उसकी सरकार बन जाएगी, इस तरह की बात पहले से ही तय थी। और जिस तरह से एक परिपाटी रही, एक परंपरा रही है कि जो निर्दलीय पार्षद हैं वो ज्यादातर सरकार के पक्ष में ही जाते हैं जिस पार्टी की सरकार होती है, तो इस तरह से पहले ही ये स्पष्ट था। केवल कोरबा में एक संशय की स्थिति थी कि वहां पर ज्यादा भाजपा के पार्षद जीत कराए थे, कांग्रेस से 5 ज्यादा जीत कराए थे, लेकिन वहां भी निर्दलियों की संख्या काफी थी। 9 निर्दलीय पार्षद वहां कोरबा से जीत कराए थे। यदि 9 के 9 एक तरफ चले जाएं तो वहां पर भी स्थिति जो है वो अनुकूल हो सकती थी कांग्रेस के। तो इस तरह से ये स्पष्ट था कि जो है 10 नगर निगम जो है वो कांग्रेस के कब्जे में जा सकते हैं। कोरबा को छोड़ दें तो 9 में तो किसी तरह का कोई संशय नहीं था। ये जरूर है कि क्रॉस वोटिंग की जिस तरह से संभावना, क्योंकि अंदरूनी संघर्ष भी है कि कांग्रेस बहुमत में आ गया तो महापौर कौन बनेगा, इस बात को लेकर जो है बिखराव की भी आशंका थी। यही कारण था कि चुनाव से 2-3 दिन पहले पूरे पार्षदों को एकजुट करके पिकनिक पर ले जाया गया और वहां पर सर्वसम्मति बनाने की जो पर्यवेक्षक तय किए गए थे कांग्रेस की ओर से, उन पर्यवेक्षकों ने सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की, अनुशासन का हवाला दिया और किसी भी तरह से क्रॉस वोटिंग न हो इस बात के लिए सभी तरह की नीति, सांसद भेद जो नीति होती है वो सभी तरह की नीति अपनाई गई। और लेकिन दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ जगहों पर जहां क्लोज फाइट है वहां पर यदि क्रॉस वोटिंग हो जाए तो शायद उनकी पार्टी को लाभ मिल जाए। और इसी के मद्देनजर बीजेपी ने भी कई नगर निगमों में, जैसे चिरमिरी में तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन बाकी 4 नगर निगमों में बीजेपी अपने प्रत्याशी खड़े कर रही है। बिल्कुल मनोज जी, जैसे कि बीजेपी तैयारी में पिटीशन दायर करेगी हाईकोर्ट में कि यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया में पेन और मोबाइल का इस्तेमाल है, तो मतलब आप क्या फायदा उसी प्रकार से जैसे ऊंट निकल गया उसके बाद ढोल पीटने का क्या मतलब? बिल्कुल, ये एक प्रतीकात्मक विरोध होता है हमेशा। जैसे किसी भी बात की कोई शिकायत होती है तो कोर्ट में जाने की एक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत लोग जाते हैं, लेकिन जनरली ये देखने में आता है हमेशा जो भी मामला कोर्ट में जाता है वो उसका निर्णय आते आते तक जो है 5 साल गुजर जाता है और उसके बाद फिर उसका कोई फायदा नहीं रहता है। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी का आक्रोश है। उन्होंने चुनाव आयोग में जाकर जो है धरना भी दिया, 2 पूर्व मंत्री धरने पर बैठे थे और निर्वाचन आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और उनका साफ तौर पर यह आरोप था कि निर्वाचन आयोग जो है जिसकी जिम्मेदारी निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की है वो अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और ये भी बात सामने आई है कि जो
महापौर निर्वाचन में जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि कॉपी और मोबाइल का उपयोग हुआ और ये नियमों के खिलाफ बताते हुए जो है ये मांग की गई कि जो पुरानी व्यवस्था है उसके तहत चुनाव कराया जाए। और जिस तरह से अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन को लेकर शुरू से ही भाजपा मुखर रही है, सरकार के खिलाफ आरोप लगाती रही है कि सत्तारूढ़ दल में होने का फायदा लेने के लिए कांग्रेस ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है जिससे निर्दलीय पार्षदों को खरीद कर अपना मेयर बनाया जा सकता है। मनोज जी, इस वक्त वहाँ पे महापौर निर्वाचन प्रक्रिया की क्या स्थिति है, क्या प्रोसेस चल रही है इस वक्त? देखिए, नामांकन दाखिले की प्रक्रिया हो चुकी है, सभी पार्षदों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। पहली निर्वाचन के बाद पहली आज बैठक वहां पर हुई और पार्षदों को शपथ दिलाया गया कलेक्टर के द्वारा और उसके बाद नामांकन दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके तहत हर जगह दूसरे नगर निगमों में महापौर और सभापति के लिए नामांकन एक साथ दाखिला कराया गया लेकिन रायपुर में अलग अलग कराया जा रहा है, इसका भी विरोध जो है भाजपा कर रही है। तो अभी जो है नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और 6 बजे शाम को इस पर मतदान कराया जाना है, उसके बाद फिर इसके नतीजे आएंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर में बीजेपी